वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीखूं विद। तो आप सब कैसे हो दोस्तों? आई होप सब अच्छे होगे, मस्त होगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक टॉपिक जो है थर्मल हेयर स्पा। उसका मैं आपको रिव्यू बताऊंगी और डेमो भी करके दिखाऊंगी एक्चुअली में वर्क कैसे करता है और ये क्या है थर्मल हेयर स्पा कैप, जो इस कैप से क्या बेनिफिट मिलते हैं और इसे आप क्यों यूज कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए दिखाती हूँ आपको। तो ये रहा वो कैप, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे जो राउंड शेप में है पिंक कलर में है और काफी बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है ये थर्मल हेयर स्पा कैप। इसे कई नामों से भी जानते हैं। और यहाँ जो हेयर स्पा कैप है ये स्टीमर की तरह होता है, बालों को जड़ों से स्टीम करता है और बाल को अच्छे मजबूत और स्वस्थ बनाए रखता है। तो बालों के लिए स्टीमर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं आपको रिव्यू बता देती हूँ। ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है प्लास्टिक की तरह और यहाँ पे एक चैन दिया हुआ है, तो आप इजिली इसे खोल सकते हो, खोल के यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हो। और ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये राउंड राउंड दिख रहे हैं, राउंड राउंड शेप में। इसी में आपके वायर लगे हुए हैं, वायर लगे हुए हैं जिससे आपको हिट जो है यहीं से होता है। यहाँ पे वायर लगे हुए हैं, यहाँ से हिट होता है, आपको देख सकते हैं लगे हुए। तो ये जो कैप है ये आप इजिली इसे निकाल सकते हैं और इजिली इसे आप अंदर करके रख सकते हैं। जब भी आपको ये इजिली आपके वॉश भी हो जाते हैं, साफ भी हो जाते हैं, तो आप निकाल के इसे वॉश करके, लेकिन ड्राई हो जाए, जब सूख जाए तभी आप इसमें अटैच करें। उसके बाद यहाँ से आप कैसे बंद कर सकते हैं। और ये आपका दिया है यहाँ पे आपकी हेयर साइज के अकॉर्डिंग, कितनी हेयर साइज है आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ आपके वायर दिए हुई है और वायर यहाँ से आपका स्विच दिया हुआ है जिसे आप इजिली कम और ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से। और बाकी इसका जो क्लॉथ है सिल्क है, ऐसे करके बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। और आप जब भी इसे यूज करें तो यहाँ पे क्लीन जरूर करें, क्लीन करने के बाद ही आप इसे ड्राई करने दें, ड्राई करने के बाद आप इसे रखें, ऐसे गीले में कभी ना रखें इसको। तो चलिए ये आपका हो गया रिव्यू, अब मैं इसे डेमो करके बताती हूँ कि एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो यहाँ सबसे पहले अपने बालों में ऑयल लगा ले, पूरे बालों में अच्छी तरह से पूरे मसाज करते हुए पूरे जड़ों में अच्छे से ऑयल लगाएं। आप यहाँ पे हेयर स्पा क्रीम भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको ऑयल लगा के बता रही हूँ। हेयर स्पा का एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, इसमें आप ऑयल से अच्छे से मसाज करें। तो यहाँ पे मैंने जो है नारियल के तेल से मसाज कर रही हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा सही लगता है। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप जो भी आपको सूट करता हो। तो यहाँ मैंने अपने बालों में अच्छे से जड़ों में पूरे तेल लगा ली हूँ। अब यहाँ पे मैं बन बनाऊँगी, पूरे बालों को इकट्ठा करके एक जूड़ा बना लें। अगर आपके बाल बड़े हैं लंबे हैं तो आप ऐसे ही बना लें तो ज़्यादा सही है। अगर आपके जूड़ा नहीं बन पाते तो आप जो है कभी भी क्लिप या फिर जो भी हेयर पिंस आते हैं वो कभी यूज़ ना करें, क्योंकि जो आपका हेयर कैप है वो इलेक्ट्रॉनिक है। तो ऐसा कुछ अभी तो नहीं है मतलब करने का, लेकिन चांस क्यों लेना कि कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि क्लिप में आपके लोहे के रहते हैं तो कुछ ना कुछ रहता ही है। तो या फिर आप रबड़ यूज़ करें, वो ज़्यादा आपके लिए सही होगा। और क्लिप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। उसके बाद आप बन बनाने के बाद आप स्विच कनेक्ट कर लें और हेयर स्पा कैप जो है मैंने पहन लिया है। तो यहाँ पे आपके एडजस्टेबल, आपके हेड के अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे मैंने स्विच ऑन कर दिया, अभी हाई पे ही रखा है। और यहाँ पे क्योंकि अभी स्टार्टिंग में उतना समझ नहीं आता, अब ऑयल रहता है तो अभी हाई पे रखे। उसके बाद आप लो कर सकते हैं अगर ज़्यादा हीट लगे आपको तो। और वैसे ये जो है आपका ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक आपका ऑब्जॉर्ब होता रहेगा यहाँ पे, जो भी ये आपकी हीटिंग कितनी देनी है कितनी नहीं देनी है वो सब ऑटोमेटिक रहता है। और यहाँ पे जो है हम लोग 15 मिनट के लिए ऐसे स्टीम देंगे बालों को, और काफ़ी इससे बाल हेल्दी हो जाते हैं। और स्टीम देना बालों के लिए भी ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है।
तो दोस्तों मेरे 15 मिनट हो चुके हैं, अब मैं हेयर वॉश करूंगी और आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी कि एक्चुअल में ये वर्क कैसे किया और क्या रिजल्ट आया है। बहुत जल्दी आप सबके लिए मैं हेयर स्पा का वीडियो भी लेकर आऊंगी। तो दोस्तों ये आपको व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में करके मुझे जरूर पूछना। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ओके। एंड सपोर्ट मी गाइज, ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियो में लाऊंगी। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, सी यू।